हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस, जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड दोस्तों मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं। जो मैंने शुरुआत में आपको वीडियो दिखाई दोस्तों, उसमें कम से कम 35 मिलियन व्यूज़ है दोस्तों। 35 मिलियन, आप समझ सकते हो कितने बड़े वे में नंबर होता है। तो अगर आप भी दोस्तों उस टाइप की रील्स वीडियो बनाओगे तो आपकी दोस्तों वीडियो वायरल हो सकती है, ठीक है। तो आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों सबसे पहले आपने प्रिकुल ऐप को डाउन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना फटाफट से आपने, एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप दोस्तों क्या करना है, आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है और जिस भी वीडियो को आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हो आपने ले लेनी है, ठीक है। एंड दोस्तों आपकी वीडियो कैसी होनी चाहिए, कुछ कंडीशन है उसकी, मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोस्तों अगर वीडियो क्रिएट करनी है तो आपने मॉर्निंग के टाइम की करनी है, ठीक है ना। तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि सूरज निकल रहा होता है और काफ़ी अच्छा जो है व्यू आता है, तो उस टाइप से आपने वीडियो को ले लेना है। तो गाइस, उस टाइप की वीडियो रहेगी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लेता हूँ जो कि काफ़ी अमेजिंग सी वीडियो है, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो वीडियो, ठीक है। ये वीडियो मैंने इम्पोर्ट कर ली है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर उसका म्यूज़िक मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो म्यूज़िक मैंने ऑफ़ कर दिया। देखिए, सिंपल से आपके सामने वीडियो है। और अगर दोस्तों वीडियो में क्लाउड वगैरह है तो वो भी काफ़ी अमेजिंग लगेंगे। देखिए, क्लाउड वगैरह भी इसमें है। तो यहाँ पे आपने करना है, सबसे पहले आपने ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ़िल्टर का, इस पर क्लिक करना है। तो फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है। वो कौन सा ऐप है मैं आपको बता देता हूँ। तो बस यहाँ पे आपके सामने देखिए ये इफेक्ट मिल जाएगा फ़िल्टर, इसका नाम है इंडिकेट, ऐसे कुछ करके नाम है इसका, आप देख लीजिएगा। इसको आपने डाल देना, ठीक है। इसके दो मोड हैं, आप पहला दूसरा कोई से भी ला सकते हो, मैंने फिलहाल के लिए पहला ही ले लिया। इतना दोस्तों करने का था, आपने ऊपर इफेक्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे से। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्टिकल, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों जो कि है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्टेलर करके है दोस्तों, इसको क्लिक कर देना, ठीक है। इसकी भी दो कंडीशन है, यहाँ पे दो आप लगा सकते हो, मैं फर्स्ट ही लगा रहा हूँ दोनों में, ठीक है, मैंने फर्स्ट लगा लिया। तो गाइस, इतना करने के बाद अब क्या करना है, आप ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है एडजस्ट का, ठीक है, एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे क्लिक करना है, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा देना जितना आपको अच्छा लग रहा है, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फुल कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना करने के बाद। अब दोस्तों क्या करना है, आप यहाँ पे टिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिंट वगैरह आपने चेंज करना है। तो टिंट इधर को करोगे दोस्तों, यहाँ पे रेड रेड सा वो पिंक पिंक सा पे आपके सामने इस तरीके का आएगा, ठीक है। आपने अगर ये अच्छा लग रहा है आपको तो ये कर सकते हो, ठीक है, हिसाब से अपने। तो इधर को करोगे दोस्तों ग्रीन आएगा, ठीक है, ग्रीन सा लुक आएगा इस टाइप से, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे इस पे आना है ऊपर लास्ट में, शुरुआत में आना है और यहाँ पे एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा। इस एक्सपोजर को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऊपर आपको देखिए ये रोशनी तेज़ हो जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जितना बढ़ाओगे उतनी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 50% रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिला था आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वाइब्स का, ठीक है। वाइब्स मतलब ये देख सकते हैं आप लोग, जो वाइब्स आती है तो इस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं इसको भी 50 रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 50 काफ़ी अमेजिंग सा हमारे पे आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों आप यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा क्लेरिटी का, देखिए। तो आपने दोस्तों क्लेरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसके लेंथ को आपने अपने हिसाब से बढ़ा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगभग कर देता हूँ उसको भी 50, ठीक है, 50 के अराउंड मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऑप्शन जो कि काफ़ी कमाल का है, और ये ऑप्शन दोस्तों किसी किसी ऐप में होता है बट इसमें है, और ये ऑप्शन अलग से डालना पड़ता है फिलहाल तो, बट ये इसमें ही इसी ऐप में ही है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स सी करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे फिक्स सी का दोस्तों मतलब है, मैं आपको तो यहाँ पर उसको मतलब होता है वाइड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड एंगल आपको मिल जाता है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल से, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके अगर आप प्लस में करोगे तो ये ऊपर आएगा और अगर माइनस में करोगे तो पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे अगर आपने करना तो कर सकते हो। यहाँ पे मैं 10 कर देना लगभग, क्योंकि 10 ज़्यादा नहीं लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों करना है, आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है, फ़िल्टर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे फ़िल्टर 70% है, थोड़ा सा आपने बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगभग 90% कर देता हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो देखिए स्काई वगैरह यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे कुछ रोशनी से आ रही है, जैसे कि सुबह का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बन चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो इसकी क्वालिटी काफ़ी कम आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी एडिट करोगे तो ये काफ़ी कम आ रही है। तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख भी रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 90
देखिए 360 पिक्सल में आपको दिखा रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर एक्सपोर्ट यूर HD विल बी इन हाई क्वालिटी, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी जो क्वालिटी होगी वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लगा लिया, इसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो ऊपर क्लिक करना है, तो देखिए एक्सपोर्टिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा आपने यहाँ पर वेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एक्सपोर्ट हो गई, यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक कर देना है, तो वीडियो हमारी सेव हो गई, एक बार आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो वीडियो यहाँ पे देखी होगी हाई क्वालिटी में हमारी वीडियो एक्सपोर्ट भी हो गई, ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ हमारी वीडियो एडिट हो जाती है, ठीक है। इसका आप चेंज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि उस ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, फटाक से फॉलो कर लेना वहाँ पर जाकर, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।